राजस्थान में कोयला संकट के बीच ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी दिल्ली दौरे पर रहे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुलाकात की, छत्तीसगढ़ में आवंटित माइनिंग में आ रही दिक्कतों से अवगत करवाया। पेश है ये रिपोर्ट। PEKB कोयला खदानों से खनन में आ रही बाधाओं के कारण कोयले की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली में मंथन हुआ। राजस्थान को NCL, SECL और MCL से 3 कोयले की रैंक बढ़ाने पर सहमति बनी। अब राज्य के बिजली ग्रहों को NCL से 6 कोयले की रैंक रोजाना मिलेगी, तो वहीं SECL से 4 कोयले की रैंक रोजाना मिलेगी। साथ ही MCL से भी वर्तमान में हो रही कोल रैंक की आपूर्ति में इजाफा किया जाएगा। मीटिंग में हमने राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान में कोयले की जितनी आवश्यकता है और कोयला मंत्रालय के द्वारा हमें जितना कोयला दिया जाता है, उसमें काफ़ी अंतर होने की वजह से हमारे जो राजस्थान के पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं और बिजली की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में हमारे लोगों को हो रही है। हम सब लोगों ने वो सारी बात कोयला मंत्री जी को, माननीय कोयला मंत्री जी को बताई है और हमने ये आग्रह किया है कि राजस्थान की जो कोयले की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, वो चूंकि छत्तीसगढ़ से हमें अभी मिलना बंद हो गया है, जब तक वहाँ से शुरू नहीं होता है तब तक उस डिफरेंस का उतना कोयला, राजस्थान की आवश्यकता का कोयला हमें केंद्र सरकार और कोयला मंत्रालय उपलब्ध करवाए। छत्तीसगढ़ में माइनिंग दिक्कतों को दूर करने में केंद्र हस्तक्षेप करेगा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को आश्वासन दिया है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने राजस्थान को छत्तीसगढ़ से वार्ता कर PEKB माइंस को जल्द शुरू कराने पर जोर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि पहले माइनिंग शुरू करवाने की कोशिशें की गई थी, अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत की जाएगी। तो वहीं बैठक में ऊर्जा मंत्री भाटी और प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने राजस्थान का पक्ष रखा। साथ ही बताया कि कोयले की 3 रैंक बढ़ोतरी से सिर्फ संकट में मदद मिलेगी, राजस्थान के बिजली घरों में कोयले की समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। बैठक के दौरान केंद्रीय कोल सचिव अनिल जैन ने सुझाव दिया। ये सुझाव CGPL से वर्तमान में खरीदी जा रही 380 मेगावाट के अतिरिक्त भी बिजली खरीदने का है। बैठक में राजस्थान सरकार से रेल, समुद्र, रेल मार्ग से भी कोल परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि कोयले के परिवहन में रेल रूट पे ट्रैफिक दबाव समस्या कम हो। साथ ही रेलवे रैक्स को उत्पादन निगम की मांग के अनुसार डायवर्जन करने के लिए निर्देश दिए गए। राजस्थान की टीम एनर्जी ने कोयला मंत्री के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के CMD RK शर्मा ने मुलाकात की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रेल शिप रेल मोड पर अधिक से अधिक कोयला उठाने के हर संभव कोशिश हो। ऊर्जा मंत्री भाटी ने सौर ऊर्जा योजनाओं में आ रही समस्याओं को भी सामने रखा। GIB क्षेत्रों और वंचित ढाणियों को बिजली देने का आग्रह किया। साथ ही अतिरिक्त ब्लॉकों से कोयला आवंटन और अतिरिक्त रेलवे रैक का आग्रह भी किया। कुल मिलाकर ऊर्जा मंत्री भाटी के साथ राजस्थान की टीम एनर्जी ने दिल्ली में प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखा। कहा कि कोयले की 3 रैक बढ़ोतरी से राजस्थान के बिजली घरों में कोयले की समस्या का पूरा समाधान तो नहीं होगा, लेकिन हालात से निपटने में मदद जरूर मिलेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।